नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनडी टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। असेंबली हलके महदुपरे के मजलिसी रुकने असेंबली मौज़म खान ने आज किशन नगर डिवीजन के मोहल्ले जात असद बाबा नगर और महमूद नगर का तफसीली दौरा किया। उन्होंने आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की और कहा कि इन दोनों मोहल्ले जात में 3.5 करोड़ रुपए के काम जेर तकमील हैं। कॉन्स्टेंसी के अंदर किशन बाग डिवीज़न में असद बाबा नगर और महमूद नगर में इस एरिए के कॉरपोरेटर मोहम्मद सलीम और मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के सारे वर्कर्स उदुर मुतमदीन के साथ तफसीली दौरा किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर जो काम बॉक्स ड्रेन का इस इलाके में चल रहा है वो तकरीबन 3.9 करोड़ रुपये का काम है। ये जब बॉक्स ड्रेन कंप्लीट हो जाएगा, जब पूरा बन जाएगा, बरसात के दिनों में एसपी नगर नजम नगर के अंदर बहुत बुरा हाल होता था, वहाँ की आवाम परेशान थी। उस चीज़ को नज़र रखते हुए हमारे सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर 3.9 करोड़ रुपये का बॉक्स ड्रेन सेंक्शन हो चुका है और काम भी चल रहा है। इसके अलावा असद बाबा नगर के अंदर तफसीली फिरा गया है, महमूद नगर के अंदर तफसीली दौरा किया गया है। माइनर वर्क्स है, मेंटेनेंस वर्क्स है, हमारे जो वर्कर्स हैं मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के जो हमेशा आवाम के दरमियान में रहते हैं, आवाम के साथ रहते हैं, महल्ले के मसाइल से 24 घंटे वो वाकिफ़ है, उसको नज़र रखते हुए मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का हर वर्कर जब भी जो भी तकलीफ़ होती है आवाम को उसी वक्त उस काम को करा देता है। उसी का नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइट मेंटेनेंस के कामों के अलावा बहादुरपुरा कॉन्स्टेंसी के अंदर कोई दूसरे काम आ नहीं है। इंशाल्लाह ताला जो भी आवाम को तकलीफ़ होगी वो आवाम हमसे डायरेक्ट रब पैदा करती है, हमारे वर्कर से, कॉर्पोरेटर से, मेयर से, और हमेशा मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन कहते हैं आप आवाम के दरमियान में रहेंगे तो आवाम की तकलीफ़ को समझ सकेंगे। मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का एक ही मकसद है और एक ही मंशा है, हम आवाम के दरमियान में रहकर उनकी तकलीफ़ को समझते हैं, जो उनके बुनियादी मसाइल है उस मसाइल को दूर करने की कोशिश करते हैं। यही कामयाबी का राज है मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन का, और हमेशा मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन आवाम के दरमियान में रहते हुए आवाम का काम करेगी। शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।